सभी का मार्केट पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम है साइंस स्पेशल। तो आज हम लोग साइंस स्पेशल में बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आज इसका पहला दिन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस स्पेशल डे फर्स्ट। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, तो आज हम लोग ये बताएंगे कि हमारे शरीर में जो तत्वों की कमी से रोग होते हैं, तो उस रोग के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक है कि जो तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं उनकी अगर कमी हो जाती है तो उनसे कौन से रोग होने की संभावना होती है। और ये सब जितने भी तत्व आपको बताने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आयोडीन की। तो तत्व है हमारा कौन सा? आयोडीन। तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि जो आयोडीन होती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताना है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा होता है? घेंघा। तो इसको आप लोग याद करेंगे, पूछा जाए आयोडीन की कमी से क्या होता है तो आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। और इस घेंघे को हम लोग जो इंग्लिश में याद रखते हैं तो वाटर रोग कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि घेंघा आ जाए तो भी सही होगा, अगर कहीं पे ग्वाटर लिखा हो तो ग्वाटर रोग भी आयो इसी को कहते हैं, घेंघा को ही कहते हैं। अगला तत्व आता है, अगर हम लोग बात करें नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट की कमी से जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बीमारी होती है किसकी कमी से? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाइट्रेट की कमी से। क्या नाम है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आयोडीन की कमी से घेंघा और नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर अगला तत्व आता है आयरन की, अगर बात की जाए तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया। ये आपको याद रखना है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। फिर पारा, इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम लोग मिनी माता क्या कहते हैं? मिनी माता। तो फिर से हम लोग रिपीट कर सकते हैं, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और पारे की कमी से क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है मिनी माता। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम से जो रोग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, और इस रोग को हम लोग कहते हैं इटाई इटाई। तो ये भी आपको याद रखेंगे कि कैडमियम की कमी से इटाई इटाई होता है। फिर अगर और बात करें कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम की कमी से क्या कंडीशन होती है? तो इसमें क्या होती है, जो हड्डी होती है, हड्डी क्या हो जाती है? हड्डी कमजोर हो जाती है। तो कैडमियम की कमी से इटाई इटाई और कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने छह तत्वों के विषय में बात की। और अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता है ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से क्या होता है? बी की कमी से बेरी रोग होता है। और अगर बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी, यहां लिखे हुए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? रिकेट्स। या फिर इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सूखा रोग भी इसे कहते हैं।
विटामिन ई की बात करें तो इससे बंध्यता रोग होता है। कौन सा? बंध्यता। और अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से जो रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इतने हमारे तत्व है और जितने भी हमने बताए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीट करेंगे एक बार, आयोडीन की कमी से घेंघा, नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आयरन की कमी से एनीमिया, पारे की कमी से मिनीमाता, कैडमियम की कमी से इटाई, कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमजोर हो जाना, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी विकेट्स, विटामिन डी वंध्यता। और अगर बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साइंस स्पेशल डे फर्स्ट। तो आप लोग जितने भी इसमें बताए गए तत्व और इनकी कमी से जो रोग होते हैं, इसको मन लगा के पढ़िए और ये परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।